हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। यहां से लगभग एक से डेढ़ दिन पहले ईरान के द्वारा कुछ 200 के आसपास मिसाइल्स दागे गए इसराइल के तरफ, जिस अटैक के बारे में ये कहा जा रहा कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से इसराइल के मिलिट्री बेस को हिट किया गया था। इस अटैक के बारे में इसराइल का ये कहना था कि ईरान के द्वारा अटैक तो जरूर किया गया, लेकिन उस अटैक में बहुत डैमेज इसराइल को नहीं हुआ है। इसी बीच अब कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे ये क्लेम किया जा रहा कि इसराइल जानबूझ के अपने जो डैमेज है उसको अंडर रिपोर्टिंग कर रहा, और इसके पीछे प्राइमरीली दो रीजन बताए जा रहे हैं। एक तो इसराइल किसी भी तरीके से अपने फोर्सेस का कैजुअल्टीज को बताना नहीं चाहता है, इससे उसके जो फोर्सेस होंगे उसके मोराल को काफी नुकसान पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरीके से उन देशों को इसराइल जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं है उनका किसी भी तरीके से मोराल बूस्ट नहीं करना चाहेगा, उनको किसी भी तरीके से वो ये नहीं बताना चाहेगा कि उनके द्वारा जो अटैक किया गया उस अटैक में उनको नुकसान हुआ है। इस पूरे सिचुएशन को अगर आप बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूएस का जो बिहेवियर है वो काफी अनरीजनेबल सा लग रहा, जो किसी भी हद तक जाके वो इसराइल को सपोर्ट करना चाहता है। इस प्रोसेस में वैसे सभी देश जो जेन्युइनली चाहते हैं कि इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और शांति बरकरार हो जाए, उन देशों का जो इकॉनमी है उसको डैमेज पहुंचता हुआ दिख रहा। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे ये पर्शियन गल्फ का रूट रहे या रेड सी का ये रूट रहे, ये सारे जो रूट्स होते हैं वो आपके ट्रेड रूट हैं। तो यहाँ पे चांसेस काफी हाई हैं कि इस पोजीशन के आसपास यमन के जो हाउतीज हैं वो कार्गो शिप को टारगेट बनाए। तो जैसे ही जब कार्गो शिप को आप टारगेट बनाते हैं तो यहाँ से जो सामान का आना जाना है वो रुक जाता है। तो जैसे ही अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है वैसे ही जो देश के इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। और इन सब के पीछे का वजह क्या है, तो वजह बहुत साफ है, इसराइल, लेबनान, ईरान, पैलेस्टीन। और उसके बाद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भले जो लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप है ये इसराइल के सामने काफी कमजोर है, लेकिन क्योंकि लेबनान और इसराइल का बॉर्डर लगता है तो इसीलिए जो हिजबुल्ला है वो काफी एक्टिव तरीके से इसराइल के फोर्सेस का जो बिहेवियर है उसको वो मॉनिटर करते हैं। तो ये हो सकता है कि जो हिजबुल्ला है वो बहुत बड़ा डैमेज ना पहुंचा सके इसराइल के फोर्सेस को, लेकिन वो इतना कैपेबल तो है कि वो छोटे छोटे अटैक्स करके इसराइल को एट द एंड ऑफ द डे एक मेजर नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरीके से इसराइल के डिफेंस फोर्सेस पैलेस्टीन के गाजा में अटैक करते हैं उस हिसाब से वो लेबनान के जो सदर्न हिस्सा है वहां पे वो करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। मैसिव आपके रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं लेबनान से हिजबुल्ला के द्वारा, और उसके बाद जब इसराइल डिफेंस फोर्सेस लेबनान के सदर्न हिस्से में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तब एक मैसिव एम्बुश अटैक किया जाता है हिजबुल्ला के द्वारा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा कि अब तक कुछ 10 इसराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं और एग्जैक्ट नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितने लोगों को इंजरी हुई है। तो ये सारे न्यूज को जब हम सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ेंगे तो मे बी ये इतना इम्पैक्टफुल ना लगे, लेकिन जहां पे जो घटना घट रहा वहां पे इसका जो असर है वो काफी मैसिव देखने को मिलता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इसराइल कर रहा वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा। इसराइल का अगर आप पॉलिसी को देखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली एक ही बात को रिपीट करता है कि इसराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस किस हद तक है या सिर्फ राइट टू सेल्फ डिफेंस वो इसराइल को ही मिला हुआ है, इस चीज के ऊपर सवाल है। अगर आप इसराइल के अटैक को देखेंगे तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि उनके अटैक में कितने सारे इनोसेंट्स मारे जाएंगे। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि इसराइल के अटैक में बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो मारे जाते हैं, क्योंकि इसराइल को जो सपोर्ट है वो मिल रहा है यूएस से, और यूएस क्योंकि एक ग्लोबल सुपर पावर है इसीलिए इसके एक्शन को चैलेंज कोई भी देश डायरेक्टली नहीं करना चाहता है। जिस हिसाब से इसराइल ने सिविलियन कैजुअल्टी किया है, अगर इसका 1% भी किसी और देश के द्वारा किया गया होता तो पूरा दुनिया मिलकर उस देश को पॉसिबली हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया होता, और वो देश इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रहा होता कि उसका सर्वाइवल ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया होता। लेकिन जिस तरीके से यूएसए इसराइल को सपोर्ट कर रहा, ये बीइंग एज एन इंडियन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूएस सिर्फ जो हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं रशिया के साथ उस बिजनेस को भी लेके वो मल्टीपल टाइम्स संदेह व्यक्त किया है, जहां पे उनका ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से रशिया के साथ बिजनेस ना करें। तो यहां पे जो समझने का मतलब है वो ये है कि यूएस के एक
एक चेहरे नहीं है, इसके मल्टीपल चेहरे हैं। सो इसके पहले कि हम इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाके, एक बार आप ये जो घटनाएं घट रही इसके बारे में हम बहुत न्यूट्रल तरीके से रह के पढ़ें और देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। कल तक कमला हैरिस इनके जो सुर थे वो बहुत हद तक अगेंस्ट थे इसराइल के, लेकिन जैसे जैसे यूएसए में चुनाव नजदीक आ रहे हैं इनके भी सुर काफी बदलना शुरू हो गए, जहां पे इनका कहना है कि ईरान इज नॉट ओनली अ थ्रेट टू इसराइल, ईरान इज ऑल्सो अ थ्रेट टू अमेरिकन पर्सनल इन द रीजन। आप इस बात को समझिए कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा मिडिल ईस्ट में जहां पे यूएस के मिलिट्री बेस नहीं होंगे। तो इसके पहले कि हम इंडियंस इमोशनल हो और किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट करें, ये जरूरी होता है हमारे लिए कि हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से रह के चीजों को देखें और पढ़ें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।